जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, स्वागत है आपका लाइफ चेंजिंग थॉट्स में। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को लेकर अपने को बड़ा अथवा छोटा मानना बहुत बड़ी भूल है, तुच्छता है। अपने को छोटा और दूसरों को बड़ा मानना असली बड़प्पन है। अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा मानना असली नीचपन है। बड़ा वास्तव में वही है जो दूसरों को बड़ा बनाता है। जो दूसरों को छोटा बनाता है वह खुद छोटा है, गुलाम है। धन, जमीन, मकान आदि जड़ चीजों के संबंध से अपने को बड़ा मानना बुद्धि भ्रष्ट होने का लक्षण है। सांसारिक पदार्थों को लेकर जो अपने को बड़ा मानता है उसको ये सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते हैं। शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को अपना मानना ही बंधन है और अपना न मानना ही मुक्ति है। अपना मानने अथवा न मानने में सबके सब स्वतंत्र हैं। संसार के सब संबंध मुक्त करने वाले भी हैं और बांधने वाले भी। केवल परमार्थ अर्थात सेवा करने के लिए माना हुआ संबंध मुक्त करने वाला और स्वार्थ के लिए माना हुआ संबंध बांधने वाला होता है। मानव शरीर का दुरुपयोग करने से जीव बंध जाता है और सदुपयोग करने से मुक्त हो जाता है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का हित करना मानव शरीर का दुरुपयोग है और अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना उसका सदुपयोग है। नाशवान को महत्व देना ही बंधन है। मिले हुए को अपना मत मानो तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। पहले हम बड़े थे, फिर हमने धन पैदा किया। अब उस धन के कारण अपने को बड़ा मानने लग गए तो वास्तव में धन बड़ा हो गया, हम छोटे हो गए, धन की इज्जत हो गई। भलाई करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी बुराई का त्याग करने की आवश्यकता है। बुराई का त्याग करने से भलाई अपने आप होगी, करनी नहीं पड़ेगी। जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी के भी प्रति बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। दूसरों के प्रति हमारी बुरी भावना होने से उनका बुरा होगा या नहीं यह तो निश्चित नहीं है, पर हमारा अंतःकरण अवश्य मैला हो जाएगा। भलाई करने से सीमित भलाई होती है, पर बुराई छोड़ने से असीमित भलाई होती है। भला बनने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल बुराई सर्वथा छोड़ दें तो हम भले ही हो जाएंगे। भगवत भक्त के द्वारा कर्म नहीं होते, प्रत्युत उसके द्वारा प्रतिक्षण पूजा होती है, क्योंकि प्रत्येक कर्म में उसका भाव पूजा का रहता है, प्रभु स्मरण का रहता है। जिसका मन भगवान में लगा रहता है उसे सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान के दरबार का सदस्य है। जैसे लोभी आदमी की दृष्टि धन पर ही रहती है, ऐसे ही भक्त की दृष्टि भगवान पर ही रहनी चाहिए। आप भगवान के दास बन जाओ तो भगवान आपको मालिक बना देंगे। भगवान का भक्त कितनी ही नीची जाति का क्यों न हो, वह भक्तिहीन विद्वान ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है तब तक भगवान का महत्व समझ में नहीं आ सकता। भगवान को मन, बुद्धि, इंद्रियों से नहीं प्रत्युत स्वयं से ही जाना जा सकता है।